तो ये बात समझ आपको आनी चाहिए कि बैकग्राउंड मायने नहीं करती। पतरस शारीरिक रूप से दलेर आदमी था। कैसे साबित होता है? क्योंकि जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो किसी चेले ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पतरस ने तलवार से एक व्यक्ति को मारना चाहा, एक सिपाही को मारना चाहा, उसने सिर पर मारी उसके, लेकिन वो हटा दो कान पे लगी और कान उखड़ गया उसका। तो जीसस ने वो कान वापस जोड़ दिया बिना किसी सर्जरी के। हालेलुया। तो बिना किसी सर्जरी के जब जोड़ा तो इसे मालूम होता है कि पतरस एक बड़ा दलेर व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने उससे कुछ कहा था उसी रात, उस घटना से पहले। जब पतरस ने कहा था प्रभु अगर तू मरा तो मैं तेरे साथ मरूंगा, तो प्रभु ने कहा था कि आज मुर्गे का जब बांग होगा तीन बार तू मेरा इनकार कर देगा। तो जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गए तो एक व्यक्ति बोला ए तू भी उन गलीलियों में से है, तू भी उसका चेला है? कहता नहीं नहीं मैं उसका चेला नहीं, एक बार इनकार कर दिया। आग सीखने लगा, औरत ने कहा तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तू भी उनमें से है। तीन बार उसने इनकार किया और फिर लानते डालने का, लानत हो जो यीशु को जानता हो। और जो मुर्गे ने बांग दी और जीसस ने दूर से उसकी ओर देखा और उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, वो रोने लगा। उसको याद आया कि मैं चाहे जितना मर्जी शारीरिक रूप से दलेर हूं, लेकिन प्रभु ने जो मुझसे कहा था कि प्रार्थना कर ऐसा ना हो कि तू परीक्षा में पड़ जाए। कई बार बोलते मैं पक्का क्रिश्चियन हूं, ऐसी की तैसी, शैतान कुछ नहीं कर सकता, मैं मर भी जाऊंगा। लेकिन जब शैतान आपको अपने पंजे में फंसाता है और परिस्थितियां घेरती हैं, फिर आप डावांडोल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी फिजिकल विल पावर से यीशु मसीह में नहीं चल सकते। और यही बात एलिया को समझ आई कि जब तक मैं प्रभु के सामने उपस्थित रहता था, राजा की भी मैंने बैंड बजा दी, उसके सामने डराने और जिम्मेवारी मेरे कई बिना बारिश नहीं है। उसने ये नहीं कहा राजा देख मैं प्रभु का दास हाँ, मेरे ते ना कुछ गल आवे, मैं तेन प्रभु का देना आया मैसेज। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, कोई घुमा फिरा के बात नहीं की। उसने कहा राजा मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना आस पड़ेगी। लेकिन वही एलिया जब उसकी पत्नी ने एक दबका मारा तो भाग गया वहां से। रीजन, प्रभु के सामने उपस्थित रहना, रोज उपस्थित रहना, हर रोज उपस्थित रहना दानिय्येल की तरक्की का राज था। मौत आए, जीवन आए, बारिश आए, तूफान आए, प्रॉब्लम आए, दुख आए, सुख आए, लेकिन दिन में तीन बार यरूशलम की खिड़कियों को खोलकर वो प्रार्थना और धन्यवाद करना छोड़ता नहीं था। ये आपकी लाइफ का सीक्रेट है। मेरी बाइबल स्टडी का आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आज का वचन आप नहीं फॉलो करेंगे। तो अगली बाइबल स्टडी जो होगी वो